साथ हमारे युवा साथी भी हैं और उनके साथ साथ हमारे स्टूडियो में हमारे अति विशिष्ट अतिथि भी हैं जिनसे मैं आपको परिचय करा रही हूँ। आप हैं श्री प्रवीण मोरे जी। आप वॉश स्पेशलिस्ट हैं। वॉश स्पेशलिस्ट का मतलब है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन स्पेशलिस्ट। आप यूनिसेफ से हमारे बीच में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने आप में हमारे लिए बहुत खास है ये जानना कि ये वॉश स्पेशलिस्ट होता क्या है एक्चुअली। देखिए जल जैसे हम सब जानते हैं हमारे जीवन से बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा, उसके जल के बिना जीवन नहीं है। और उसी तरह स्वच्छता, वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसको लेके एक यूनिसेफ के अंदर एक स्पेशल हमारी डिवीजन, एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग वाटर सैनिटेशन और हाइजीन रिलेटेड जितने सारे काम होते हैं वो सारे हम काम देखते हैं। तो बिहार का जो सारा काम है वाटर सैनिटेशन हाइजीन का, वो मैं देखता हूँ यहाँ। ओके, तो सर यूनिसेफ की भूमिका अभी जो वर्तमान है चल रहा है उसमें क्या है? तो 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो टास्क दिया है उसमें यूनिसेफ अपने आप को कहाँ रखता है? यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है और बच्चों के जीवन में जो है स्वच्छता, साफ सफाई का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका स्वास्थ्य से बहुत बड़ा इसका संबंध होता है। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छे रहेंगे तो हमारा आने वाला कल भी अच्छा रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यूनिसेफ पूरे विश्व में कई देशों में काम करती है, उसी तरह से भारत में भी काम करती है और भारत में हम लोग 13 राज्यों में काम करते हैं। और स्वच्छता का जो मुद्दा है खास करके इस मुद्दे के साथ जुड़ के यूनिसेफ काफी सरकार के साथ जुड़ के इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग दे रही है और काम कर रही है। इसमें यूनिसेफ का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान या काम है वो है हम सरकार के साथ मिल के इस पूरे कार्यक्रम को रोल आउट करने में जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, क्षमता संवर्धन होता है जी, उसमें हम लोग खास करके ज्यादा योगदान देते हैं। ये क्षमता संवर्धन का मतलब क्या हुआ सर? क्षमता संवर्धन का मतलब है कि जैसे इस पूरे कार्यक्रम के जितने मैसेजेस है हमको समाज तक पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है, तो उस समाज तक और जनता तक इस पूरे कार्यक्रम को मैसेज को पहुंचाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की संख्या चाहिए जो कि इस पूरे कार्यक्रम के मैसेजेस को समाज तक पहुंचा सके, ट्रिगरिंग के लिए समाज को जागृत करने के लिए। तो उस पूरी फौज को तैयार करना, इस कार्यक्रम को किस तरह से संचालित किया जाए, उसके तरफ कैसे हम कदम बढ़ा सकते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो भी क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम होते हैं कि संवाद कैसे बनाया जाए, जो इस पूरे कार्यक्रम में शौचालय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है इस पूरे कार्यक्रम का, तो उसमें शौचालय निर्माण की तकनीक क्या हो, उसके मटेरियल्स कहाँ से आए, तो इन सभी चीजों के लेके जो भी क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम होते हैं उसमें हम यूनिसेफ काफी बड़ा योगदान देता है। अगर संक्षेप में कहें तो यूनिसेफ पूरी तरह से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए हमें जागरूक बनाता है जी। यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ हम सबकी ओर से, वो ये कि एक गांव को पूरी तरह से ODF करने में या उस ओर जागरूक बनाने में कितना समय लगता है? अब देखिए इसमें हमारे अनुभव अलग अलग है, अलग अलग अनुभव अलग अलग समुदाय के ऊपर प्रति निर्भर करता है। तो लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि अगर किसी समुदाय को बहुत बढ़िया से ट्रिगरिंग, जो आपने भी थोड़ी देर पहले शब्द का इस्तेमाल किया, तो ट्रिगरिंग अगर बहुत बढ़िया से हो तो गांव एक दिन में भी खुले में शौच से मुक्त हो सकता है। क्योंकि खुले में बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, खुले में शौच मुक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है कि शौच हमारा जो भी है वो कहीं बाहर खुले में ना दिखाई दे। और अगर मान लीजिए हमारे पास शौचालय की व्यवस्था ना हो, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आज कोई गांव ट्रिगर हुआ, वहां के सारे लोगों ने तय कर लिया कि हमें अपने आप को खुले में शौच मुक्त बनाना है, तो अगले दिन से वो जमीन में गड्ढा करके जैसे बिल्ली अपने शौच को ढक देती है, अगर वो भी करना शुरू कर देते हैं तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि गांव खुले में शौच मुक्त हो गया। क्या बात है। लेकिन एक स्थायी समाधान की जहां तक बात आती है कि जहां पे एक वैकल्पिक व्यवस्था हो, जहां पे कि लोगों को अपनी 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 अस्मिता को बचाते हुए हम उसका व्यवहार कर सके, तो ऐसी सब व्यवस्था के लिए हमको शौचालय का निर्माण करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें लगभग हमने देखा है कि 1.5 से 2 महीने के समय में एक कोई भी समुदाय अपने आप को खुले में शौच मुक्त बहुत अच्छे से कर सकता है। यहाँ पर ये मैं जानना चाहती हूँ कि और चाहती हूँ हमारे दर्शकों को भी इसका फायदा मिले कि ये दरअसल हमारी जो ये जीवन शैली है, हमारे जो रहन सहन का ढंग है, जिसमें परिवर्तन लाना आपकी ओर से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसमें उसका क्या फायदा क्या है, आम आदमी को क्या फायदा है उसका? साफ सफाई के अलावा साफ सफाई तो एक देखने वाली चीज है जिसमें कि हमको देखने से लगता है कि सब साफ है, माहौल साफ है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा
फायदा है वो इस तरह से होता है कि जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं वो कीटाणु अगर इधर उधर नहीं जाएंगे, बीमारियां नहीं फैलाएंगे, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और सेहत अगर हमारी ठीक रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा आने वाला समाज भी स्वस्थ रहेगा। एक जो अध्ययन है वो ये कहता है, जिसमें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, फैमिली हेल्थ सर्विस पीरियडिक समय पे किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, भारत में भी होते हैं, तो 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके आंकड़े कहते हैं कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बिहार के बच्चों के अगर हम खास करके अगर बात देखें तो लगभग 48% बच्चे हमारे जो है वो उनकी हाइट या उनकी लंबाई जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है, यानी वो स्टंटेड रह जाते हैं। और स्टंटिंग का मतलब है कि अगर आपका शारीरिक रूप से विकास अगर नहीं हुआ तो आपका बौद्धिक रूप से विकास भी नहीं होता है जी। और उसके लिए सबसे बड़ा जो कारक माना गया है वो है डायरिया। अगर किसी बच्चे को अपने उम्र की 2 साल की उम्र तक अगर 2 से 5 बार डायरिया हो जाता है तो बच्चा जनरली स्टंटेड रह जाता है या बौना रह जाता है। और बौना रहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में शारीरिक रूप से बौने हैं तो आपका बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता है, और बौद्धिक विकास नहीं होगा तो भी आप मतलब ये समझ सकते हैं कि पढ़ने लिखने की क्षमता और आगे चल के फिर हम आगे बहुत नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये डायरिया के पीछे पूरी तरह से जो दोषी है वो है खुले में त्यागा हुआ मन जी। बिल्कुल मतलब सरल भाषा, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने अपने शत्रुओं को अपने आसपास ही बिखेर रखा है और हमें इसकी ज्ञाति नहीं है, सबसे बड़े दुख की बात यह है। फिलहाल हमारे साथ जी आपका अगला सवाल। मैम मेरा अगला सवाल ये है कि गांधी जयंती के 125वीं जयंती पे सरकार ने 2019 में 1.96 करोड़ रुपए लागत लगाया जिसमें से 1.2 करोड़ शौचालय बनाना, तो क्या 2019 तक ये शौचालय बन जाएगा और अब तक कितना बना है? इसमें देखिए अगर भारत अपने पूरे भारत के आंकड़े बताएं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में हमारे लगभग 650 से ज्यादा जिले हैं और इनमें से आज की तारीख में 300 से अधिक जिले खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। इसका मतलब है आधे से ज्यादा भारत खुले में शौच मुक्त ऑलरेडी हो चुका है, और आने वाला जो 1.5 साल का समय है हमारे लिए काफी क्रिटिकल है, क्रूशियल है, और इस समय में हम काफी तेज गति से पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा देश और बिहार राज्य भी उसमें पूरी पूरी मतलब इससे जुड़ा हुआ है और ये पूरा जो है लगभग हम इस पूरे टारगेट को अचीव कर लेंगे। वाह बहुत अच्छी बात है। हमारे पास अगला सवाल भी लेकर के हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं। हेलो सर, मैं मुकुल अभिषेक, मैं पटना कॉलेज का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है सर कि गांव में सर टॉयलेट तो बना दिए गए हैं पर वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, पाइपलाइन वगैरह नहीं है, बिजली नहीं है, तो ऐसे में सर वहाँ पूर्णता स्वच्छता कैसे फैल जाए? बहुत अच्छा सवाल है मुकुल आपका कि शौचालय की व्यवस्था तो हो गई लेकिन अगर वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे हो, वो कैसे आगे चले। इसमें बिहार सरकार ने खास करके एक कार्यक्रम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने शुरुआत किया था कि इस बार का जो उन्होंने इलेक्शन था उसके बाद उन्होंने 7 निश्चय लिए हैं। 7 निश्चयों में एक निश्चय ये भी कि हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल के माध्यम से ये योजना हर परिवार को पूरे बिहार के घर में जो है नल का जल मिलने वाला है। तो ये योजना कारगर रूप से हम देख रहे कई जिलों में, नालंदा, गया और भी अन्य जिलों में हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लागू हो रही है गाँव में और काफी तेजी से घर घर पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो समय तो थोड़ा लगेगा इसमें लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये योजना बढ़िया से चलेगी और आगे इस योजना के माध्यम से हर घर में पानी की उपलब्धि होगी। और वैसे भी बिहार में हम देखते हैं कि पानी की कमी जनरली नहीं है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जहाँ हम भी कई इलाके ऐसे जहाँ पे कि पानी की कमी रहती है, और राजस्थान वगैरह जैसे इलाके आप देखते हैं वहाँ पे भी पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी ना कमी का एक बहाना हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि साफ सफाई तो उसके बावजूद होती रहेगी। लेकिन आपका सवाल वाकई में इम्पोर्टेंट है तो मेरे ख्याल से सरकार अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत है जो हम गांव फील्ड में देख रहे हैं। सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरी ओर से भी, वो ये कि आप चूंकि वॉश स्पेशलिस्ट हैं इसीलिए काइंडली हम सबको जरूर बताएं कि ये कचरे का निपटारा कहाँ से हम करना शुरू कर दें ताकि हम उस वेस्टेज को हम एक संसाधन के रूप में यूज कर सके। आप ही से बात मेरी हो रही थी इसीलिए मैंने उस टर्म को आपके सामने रखा सर। जी जी जी, कचरा अपने आप में एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम जैसे सुनते हैं हमारे मन में भी घृणा पैदा होती है और हम जो भी चीज हमारे काम की नहीं उसे हम कचरा लेके ठुकरा देते, फेंक देते हैं जी। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज कभी भी वेस्टेज नहीं होती है जी। किसी एक का वेस्टेज दूसरे के लिए हमेशा रिसोर्स बनके हमेशा तैयार रहता है। हम वेस्टेज की जगह
जगह पे अगर हम रिसोर्स या संसाधन के रूप में अगर देखना शुरू करते हैं तो इस पूरी समस्या का मेरे ख्याल से अपने आप में समस्या खत्म हो जाती है। तो इसके लिए कई सारे प्रयास अलग अलग जगहों पे हुए हैं और अभी आजकल भारत में इसकी तरफ भी काफी कदम बढ़ाए गए हैं, जिसमें कि हम जो ठोस तरल कचरा की जगह पे उसको हम बोलते हैं कि ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन की बात हम करते हैं, तो उसको हम रिसोर्स की तरह अगर हम देखना शुरू कर दें तब हमारा सारा समस्या दूर हो जाती है। इसमें सबसे पहली शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। घर में खास करके अगर हम देखें कि हमारा जितना सारा वेजिटेबल वेस्टेज है या वेट वेस्टेज है उसको अगर हम अलग कर ले और जो प्लास्टिक और अन्य जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको अगर हम अलग कर ले तो ये पहली पावदान होती है इसकी तरफ दिशा में, पहला कदम होगा। दूसरा कदम है कि फिर स्तर पे अगर हम देखते तो म्यूनिसिपैलिटीज है, कॉरपोरेशन है, इनको इसके प्रॉपर कलेक्शन और उसके बाद में सेकेंडरी सेग्रीगेशन की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए और वहां से फिर वो टर्शियरी सेग्रीगेशन की व्यवस्था पे अगर वो जाता है तो फिर सारा का सारा कचरा जो है वो कचरा नहीं रह के संसाधन बन जाता है, वो एक रिसोर्स के रूप में, फाइनेंस के रूप में, रोजगार के नए साधनों के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आप हमारे यहाँ आए, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, आपके बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वच्छता जन संवाद में अब हम जिनके साथ में हैं वे एक ऐसी हस्ती हैं जिनके साथ साथ बहुत बहुत सारा गर्व जुड़ा हुआ है हम महिलाओं का। जी हाँ, वे पाटलिपुत्र यानी पटना की मेयर है, पहली महिला मेयर है और श्रीमती सीता साहू जी का स्वागत करते हुए हम सबको बहुत बहुत गर्व की अनुभूति होती है। पाटलिपुत्र पटना जो कि पूरे बिहार की राजधानी है ये तो है ही, उसके साथ साथ इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ के जितने भी अवशेष हैं उन सब से लेकर के सब कुछ हमें गौरवान्वित करते हैं और उसी कड़ी में हमारी मैम भी हम सबको बहुत बड़ा मौका देती हैं। मैम एक और खूबसूरत मौका हम सबके पास में है कि पटना अब स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आने को है। मैम हमारी अपनी तैयारियां कितनी है इस पर? पीआरडी सही बन रहे हैं सर, कहाँ कहाँ पूरा शहर को कवर करना है स्मार्ट सिटी में, इसके लिए जोरों से तैयारी चल रही है और उसमें के लिए हम लोग स्वच्छता से भी जुड़े हुए हैं कि जब शहर को साफ कर ले सिटी भी अपने आप स्मार्ट बनती है और जनता को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा इसके लिए, तभी शहर स्मार्ट भी बनेगी। मैम यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, आज के समय में जितनी जागरूकता आपने भी अपने मेहनत से सब में जगाई है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जितना स्वच्छता अभियान पर जितना जोर दिया है उससे हम सब कहीं ना कहीं जागरूक तो हुए ही हैं और उसका मगर अभी भी जो हमको फल चाहिए उसमें थोड़ी थोड़ी जो दिक्कत होती है उसको हम कैसे मिटा सकते हैं? जैसे जो कचरे हम डाल के तो आते हैं लेकिन सुबह में उसका अगर निपटारा हो रहा होता है तो सड़क जाम होती है और देर होती है, वो उसको कैसे ठीक किया जा सकता था? पहले तो मैं गांधी जी का स्वप्न था स्वतंत्रता से जरूरी स्वच्छता जी, उसी उनके सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाए हैं और उसमें हम लोग जनता को भी उसमें सहभागी बनाए हैं कि आप लोग सब मिलकर शहर को पूरा भारत को साफ और सुथरा करना है, साफ सुथरा करना है जी और उसमें सभी, इसलिए हम लोग डोर टू डोर कचरा की व्यवस्था किए हैं जी, हर 150-200 घर पर दो लेबर है और जाती है दरवाजे हर डोर टू डोर जाती है और कचरा कलेक्ट करके और उसको जहाँ उनका प्वाइंट है वहीं पर, हाँ वहाँ पर करके वहाँ से फिर चेक बढ़िया हम लोग जहाँ जी उसका पॉइंट वहाँ जाती है जी। मैम अभी हमारे यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है ये तो आप ही समझती हैं, जान ही रही हैं। मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ हमारे युवा साथी हैं, इनकी कितनी बड़ी भूमिका आप देखती हैं आने वाले समय में इस पूरे की पूरे योजना के साथ में इनको जोड़कर हम और कितना स्मार्ट बन सकते हैं? आज नरेंद्र मोदी जी सभी युवाओं को आगे ला रहे हैं, देश के जो भविष्य है उनको बेरोजगार स्वरोजगार सबके लिए, उन लोग बेरोजगार न रहे मेरे युवा, इसके लिए बहुत कौशल विकास का जो किए हैं उसमें हम लोग युवा से जुड़ना है और आप लोग बहुत आप लोग के लिए उससे जुड़िए और हम लोग के लिए आप लोग के लिए बहुत यहाँ पर दिखाना है अपना प्रदर्शन, तभी हम लोग पटना को चाहे किसी देश को भी स्मार्ट बनाएंगे, जो बिहार का भविष्य आप ही लोग हैं। मैम यहाँ पर एक और चीज की आपने इन लोगों को रोजगार से जुड़ने की कही दी है तो यहाँ पर छोटी सी बात मैं ये भी बता जानकारी के रूप में देना चाहती हूँ कि ये
ये जो निपटारा है ना, जो कहते हैं कि प्रबंधन, इसको संसाधन के रूप में इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे रोजगार है, क्यों बात है ना। हाँ। अगर कचरा निपटान का ही अगर उनको सॉलिड वेस्ट अलग करके, लिक्विड वेस्ट अलग करके, उन सबका अगर प्रॉपर हम वर्मी कंपोस्ट और इस टाइप की चीजें जो हमारे टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, इसके पहले भी हमारे जो वक्ता थे उनके साथ में भी वो जानकारी सबको मिली है, अगर उस रूप में भी हम देखें तो रोजगार के नए आकाश अपने लिए पा सकते हैं, क्यों मैम। जरूर। और सच पूछे ना तो स्वच्छता, जैसा मैम ने कहा कि स्वच्छ स्मार्ट बनना पड़ेगा, हम सबको होना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ सफाई, अपनी सफाई की बात नहीं है, साफ सफाई हमारे आसपास और हमारा, अब जब हम अपने पड़ोस और उसके भी पड़ोस की जब चिंता करना शुरू कर देंगे, ख्याल रखना शुरू कर देंगे, तो हमारा शहर पूरा का पूरा साफ ही नहीं स्वच्छ भी हो जाएगा। और हम सबको ये भरोसा है कि ये जो अलग माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जगाया है हम सब में, उसका ही ये प्रताप है कि हम सब उस ओर जागरूक हुए हैं, और अगला जो 1.5 वर्ष है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से हम सबके लिए और ज्यादा तेजी से काम करने वाला है, और वैसा करते हुए हम निश्चित रूप से 2019-20 तक अपने भारत को पूरी तरह से स्वच्छ कर पाएंगे, और उसके पहले मैम के साथ मिलकर के हम अपने पटना को स्मार्ट पटना तो बना ही लेंगे, इसका पूरा भरोसा है, क्यों मैम। जरूर जरूर।